सब्सक्राइब कीजिए दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिखाते हैं आपको दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने रेगुलर क्लास मेरा अटेंड किया तो आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस के बारे में बताया था आपको, और आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले एडवर्ब्स। तो हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जब एडवर्ब आते हैं तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, हम आज वही सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम उन एडवर्ब्स पे नज़र डालते हैं कि वो एडवर्ब है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, एवर कभी, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ऑफन प्रायः या अक्सर, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही, येट अब तक या अभी तक, जस्ट अभी अभी या तुरंत, रिसेंटली हाल में, सो फार अब तक। ओके फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि एडवर्ब क्या होता है और अब हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वह तुरंत गया है, या हम इसको बोल सकते हैं वह अभी अभी गया है। तो अभी अभी या तुरंत, दिस इज द एडवर्ब। तो हम ज़्यादातर सेंटेंस बनाते वक्त ज़्यादातर हम एडवर्ब का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस में जब हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर मेन वर्ब से पहले ही उसको लिखते हैं, हमेशा नहीं बट ज़्यादातर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, ही हैज तुरंत का मतलब होता है जस्ट, जस्ट गोन। मैंने हमेशा आपकी मदद की है, तो मैंने हमेशा आपकी मदद की है, तो आई हैव। अब इसमें हैज़ हैव के बाद यानी मेन वर्ब से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब का। तो एडवर्ब क्या है इसमें, ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज, मेन वर्ब हेल्प यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोग आई हैव हेल्प यू ऑलवेज, ऑलवेज का इस्तेमाल कहीं भी कर देते हैं, शुरू में भी कर देते हैं, लास्ट में भी कर देते हैं, वर्ब के बाद भी कर देते हैं, बट बोलचाल में क्या चलता है। बट हमें सीखना है सही चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, सही चीज़ का हम जानकारी रखेंगे तभी हम वहाँ पर थोड़ा बहुत गलती करेंगे तो चलेगा, बट जानकारी सही चीज़ की रहनी चाहिए तभी हम एक दिन सही चीज़ को पकड़ सकेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका इस्तेमाल, ऑलवेज का इस्तेमाल हम हेल्प से पहले कर रहे हैं, क्योंकि मेन वर्ब हेल्प है, इसलिए इसके पहले हम ऑलवेज लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसने अक्सर मुझे बुक दी है, उसने अक्सर मुझे बुक दी है, बोलते हैं ना, वो अक्सर आता रहता है मेरे यहाँ, वो अक्सर मेरी मदद करता रहता है, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो वही अक्सर। तो ही हैज़, अक्सर का इंग्लिश होता है ऑफन, ही हैज़ ऑफन गिवन मी बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तभी इसी एडवर्ब वाले सेंटेंसेस में हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड जैसे सेंटेंसेस को भी बनाना सीखते हैं। ठीक है,
क्या तुमने कभी सिगरेट पिया है? तुमने कभी सिगरेट पी है? तो हैव यू, अभी हम यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कभी है, कभी मतलब एवर। तो हैव यू एवर स्मोक्ड? मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो आई हैव, यहाँ पर कभी है तो कभी का इंग्लिश एवर होता है, लेकिन यहाँ पे कभी में इस सेंटेंस में नहीं भी है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जब भी नेगेटिव सेंटेंस में कभी आता है तो उसमें हम नेवर लगाएंगे सीधा। आई हैव नेवर सीन ताजमहल, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई हैव नॉट एवर सीन ताजमहल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको कंफर्टेबल कौन सा सेंटेंस बोलने में होता है वही सेंटेंस बोलिए, इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है ये वाला सेंटेंस ज़्यादा कंफर्टेबल है, आई हैव नेवर सीन ताजमहल। आई हैव नॉट एवर सीन ताजमहल, दिस इज द लॉन्ग। ठीक है ना फ्रेंड्स, वह अभी तक नहीं आया है। तो ही हैज नॉट कम येट, तो यहाँ पर अभी तक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर येट यानी कि एडवर्ब का इस्तेमाल हमने लास्ट में क्यों किया है, यह अपवाद है। तो मैंने बोला ना कि ज़्यादातर सभी सेंटेंसेस में नहीं, किसी किसी सेंटेंस में हम एडवर्ब का इस्तेमाल हम लास्ट में भी करते हैं, जैसे येट का हो गया, या सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, इस तरह का जो एडवर्ब्स है उनका इस्तेमाल हम सेंटेंस के अंत में ही करते हैं, अच्छा लगता है। ही हैज़ नॉट कम येट, या ही हैज़ नॉट येट कम, हम ये भी बोल सकते हैं, बट ये ज़्यादा चल रहा है, यही चलता है और बोलते भी हैं। ठीक है, तो वह मैं उससे कई बार मिला हूँ, मैं उससे कई बार मिला हूँ। तो आई हैव मैनी टाइम्स पहले भी लिख सकते हैं, सेवरल टाइम्स, और हम लास्ट में भी बोल सकते हैं। आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स, यहाँ पे मैनी टाइम्स की जगह अगर हम सेवरल टाइम्स लिखेंगे तो बेटर रहेगा, सेवरल टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कभी कभी मेरी मदद की है, तो ही हैज, ठीक है फ्रेंड्स, ही हैज हेल्प्ड मी ओकेजनली। कुछ लोग बोलचाल में भी बोल सकते हैं कि ही हैज हेल्प्ड मी समटाइम्स, कभी कभी, ओकेजनली मदद की है उसने मेरी, मतलब कभी कभी, जैसे मौका पड़ने पे, या कभी कुछ ओकेजन्स, ओकेजनली मिस ओकेजन्स होने पे उसने मेरी मदद की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं, और कब करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक नज़र और थोड़े सेंटेंसेस पर हम डालते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने उसे अनेक बार पीटा है। I have beaten him several times. उसने गरीबों की अक्सर मदद की है। He has often helped poor. वह कभी शराब नहीं पिया है। He has never drunk wine. क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई, या हैव यू एवर गोन टू मुंबई? उसने अक्सर तुम्हें धोखा दिया है। ही हैज ऑफन डिसीव्ड यू।
अभी तक सब कुछ ठीक से गुजरा है. एवरीथिंग हैव पास्ड वेल अप टू नाउ. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.